हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट किए थे। तो नेविगेशन ड्रॉअर में हमने सबसे पहले कुछ पेजेस इंप्लीमेंट किए थे, जैसे फेसबुक पेज, वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, मोर, रेट, शेयर, ऐसे सभी चीज़ को नेविगेशन ड्रॉअर में इंप्लीमेंट किए थे। एंड उसके पहले हमने होम स्क्रीन को भी क्रिएट किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जाके। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड व्यू, ये कंप्लीटली कोड हमने क्रिएट किए थे। तो अभी हम इस वीडियो में क्या क्रिएट करने वाले हैं, क्वेश्चन एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। जैसे कोई सी पे क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सी पे क्लिक करेगा तो एक एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। सी प्लस प्लस पे क्लिक करेगा तो एक एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। तो ये सभी का एक्टिविटी हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटेंट का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक सी के नेम से ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें आना होगा सबसे नीचे में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक वर्ड सी मेथड ऑलरेडी क्रिएट है, जिसमें हम यहाँ पे इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंटेंट पास करना होगा एंड हम रिडायरेक्ट होंगे क्वेश्चन एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइप कर देता हूँ इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नेम, मीन्स हमें देना होगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा जिस एक्टिविटी में हमें जाना है। तो आपको किस एक्टिविटी में जाना होगा, क्वेश्चन एक्टिविटी। तो अभी तो हमने इसको क्रिएट नहीं किया है, तो थोड़ी देर में हम क्रिएट कर लेंगे क्वेश्चन एक्टिविटी के नेम से डॉट क्लास एंड सेमी कॉलम से आपको इसको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है, जिसमें आपको इंटेंट को पास करना होगा। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इंटेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंटेंट पास कर दिया एंड कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है। बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्वेश्चन एक्टिविटी के नेम से। ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने एक्टिविटी क्रिएट ही नहीं की है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पैकेज नेम पे जाएंगे एंड इस नेम से एक्टिविटी को क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पैकेज नेम पे राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे एंड ये जो एक्टिविटी नेम है इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन एक्टिविटी। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्टिविटी डॉट जावा के नेम से फाइल क्रिएट हो चुकी है। बट अभी हमें इस वीडियो में डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करना होगा, मीन्स फ्रंट एंड पार्ट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी क्वेश्चन डॉट एक्सएमएल में आना है, स्प्लिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड शो रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट में वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट को, मैं चेंज कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट में। तो इसको बैकस्पेस करेंगे हम एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिलेटिव लेआउट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिलेटिव लेआउट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये होने के बाद आपको पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा, सभी तरह से आपको पैडिंग देना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैच पैरेंट के नीचे पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट। ओके, तो आपको एंटर करना होगा इसके नीचे एंड यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना होगा पैडिंग राइट। तो जैसे हम पैडिंग राइट को सर्च करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे देना है 16 dB। इसके बाद पैडिंग लेफ्ट भी आपको दे देना है। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइप कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट के नेम से। तो पैडिंग लेफ्ट भी आपको यूज़ करना होगा 16 dB। ये होने के बाद आपको पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग टॉप 16 dB एंड पैडिंग बॉटम 16 dB। तो यहाँ पे हमने चारों की तरफ से पैडिंग दे दी है। ये होने के बाद आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं बैकग्राउंड को टाइप कर देता हूँ हैश C6 8A 3F। आपको ये बैकग्राउंड को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अभी हमारा रिलेटिव लेआउट का वर्क हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू को क्रिएट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ इस रिलेटिव लेआउट के अंदर में एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट व्यू को। यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट दे देनी है मैच पैरेंट रैप कंटेंट एंड इस टेक्स्ट व्यू की आईडी देना होगा डिस्प्ले नेम के नेम से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ जाता हूँ, यहाँ पे आईडी में डिफाइन दे देता हूँ डिस्प्ले नेम @ID डिस्प्ले नेम। तो आपको कैपिटल एन का यूज करना, आपको आप कुछ भी आईडी का नेम दे सकते हो।
इसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना, क्योंकि जब तक मैं टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करूँगा तब तक आपको क्लियरली समझेगा नहीं हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 020, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी शो हो रहा है। तो इसकी तो पहले आपको कलर चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से शो नहीं हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर में आपको क्या प्रोवाइड करना है, हैश। तो सबसे पहले मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हैश 0920922242। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, अगेन एंटर करना होगा एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करना है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या कहाँ पे लेके आएंगे, तो सेंटर में लेके आएंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर प्रोवाइड कर देता हूँ एंड इसके टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल दिख रहा है। तो टेक्स्ट साइज में इसकी 20 SP कर दूंगा। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा चेंज करना होगा, बोल्ड फॉन्ट में चाहिए तो टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड में दे देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से शो हो रहा है। तो ये होने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू को क्लोज करना है, तो मैं टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देता हूँ एंड अभी आपको क्या करना है, एक रेडियो ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो रेडियो ग्रुप मीन्स क्या रहेगा, जैसे ABC ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसी को ही हम क्रिएट करने वाले हैं रेडियो ग्रुप के नेम से। तो मैं आ जाता हूँ टेक्स्ट व्यू के नीचे एंड यहाँ पे मैं रेडियो ग्रुप दे देता हूँ। तो आपको सर्च करना होगा रेडियो ग्रुप, इसकी वेट आपको देनी होगी रैप कंटेंट एंड हाइट भी आपको देनी होगी रैप कंटेंट। ये होने के बाद आपको अलाइनमेंट लेफ्ट यूज करना होगा, अलाइनमेंट लेफ्ट आपको एट्रीब्यूट यूज करना है एंड इसमें आपको पास क्या करना होगा, ये जो डिस्प्ले नेम है उसी को यूज करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्प्ले नेम, जैसे हमने लेफ्ट पास किया सेम आपको राइट पास करना होगा। तो मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, यहाँ पे लेआउट अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ, बस इतने आपको चेंजेस करना है, लेआउट अलाइनमेंट राइट। आप देख सकते हो जो नीचे में दिखाई दे रहा है इसको आपको फिक्स करना है, बट एक्चुअली हमने पेरेंट यहाँ पे टाइप कर दिए, तो बस आपको अलाइन राइट सिलेक्ट करना है। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। ये होने के बाद आपको आईडी को डिफाइन करना होगा, तो मैं आईडी यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ, @ID आंसर ग्रुप, तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं एंड यहाँ पे मैं इसकी आईडी डिफाइन करूँगा आंसर ग्रुप के नेम से। ये होने के बाद आपको सेंटर वर्टिकल सिलेक्ट करना होगा, तो सेंटर वर्टिकल में आपको ट्रू पास कर देना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ट्रू। ये होने के बाद आपको इस रेडियो ग्रुप को क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रेडियो ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अभी इस रेडियो ग्रुप के अंदर में 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD, जिसमें रेडियो बटन हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको क्रिएट कर लेते हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आपको आना होगा एंड रेडियो बटन टाइप करना होगा, तो आप देख सकते हो रेडियो बटन आपको शो हो रहा होगा। इसमें आपको विड्थ एंड हाइट रैप कंटेंट प्रोवाइड करनी है एंड आपको इसमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा, तो टेक्स्ट में आपको ए प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट ए एंड यहाँ पे आपको आईडी को भी डिफाइन करना होगा रेडियो बटन के नेम से। ये होने के बाद आपको चेक फॉल्स करना है, तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ चेक फॉल्स के नेम से। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट कलर भी प्रोवाइड करना होगा, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट कलर में मैं वाइट कलर शो कर देता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, #FFF का यूज़ करेंगे, मीन्स वाइट कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी शो हो रहा है। रेडियो बटन को आपको क्लोज कर देना है। अभी क्या करेंगे, हम इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे एंड 3 बार Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये रहेगा B के लिए, ये रहेगा C के लिए एंड ये रहेगा D के लिए। तो देख सकते हो आप ABC क्रिएट हो चुका है। अभी हमें नेम चेंजेस करना होगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ B एंड इसके नीचे हमें जो A के नीचे दिखाई दे रहा है B तो कर लिया, अभी यहाँ पे C करना होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ C
एंड इसके नीचे आपको टाइप करना होगा डी, तो इसमें मैं डी कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको इसकी आईडी भी चेंज करनी होगी रेडियो बटन टू, एंड इसकी आपको चेंज करनी होगी रेडियो बटन थ्री, एंड इसके नीचे आपको चेंज करनी होगी रेडियो बटन फोर। तो आप देख सकते हो मैंने सभी की आईडी डिफाइन कर दी है। ये होने के बाद आपको बटन सिलेक्ट करना होगा, जैसे कोई ए बी सी जैसे बी पे सिलेक्ट कर लिया कोई यूजर ने, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट की बटन रहेगी। तो इसलिए अभी मैं एक बटन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इस रेडियो ग्रुप के नीचे। तो बटन आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, बटन में आपको विड्थ एंड हाइट दे देनी है, विड्थ आपको मैच करेंट देनी है एंड हाइट आपको देनी है 50 dB। ये होने के बाद इस बटन की आईडी भी डिफाइन करनी होगी, तो मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ बटन थ्री के नेम से, एट द रेट आईडी बटन थ्री। ये होने के बाद आपको लेआउट बिलो यूज करना होगा, तो हमें किसके नीचे चाहिए, हमें चाहिए इसके नीचे आंसर ग्रुप के नीचे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसकी आईडी डिफाइन की थी आंसर ग्रुप के नेम से, ये पूरे रेडियो ग्रुप की, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लेआउट बिलो। आपको बी टाइप करना है बिलो, एंड हम आंसर ग्रुप जो आईडी है उसको सिलेक्ट करना होगा, तो ये जो बटन है वो खुद ब खुद आ जाएगी, देख सकते हो अभी आ चुकी है। ये होने के बाद आपको पैरेंट एंड एंड पैरेंट राइट का यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ अलाइन पैरेंट एंड, ट्रू पास करना है आपको, एंड यहाँ पे आपको नीचे करना है अलाइन पैरेंट राइट, अलाइन पैरेंट राइट यहाँ पे आपको पास कर देना है ट्रू। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एंटर बटन पे क्लिक करना है, आपको मार्जिन टॉप का यूज करना होगा, इसमें आपको 27 dp यूज करना है। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा बटन में, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ नेक्स्ट के नेम से, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट करके लिखा रहेगा। ओके एक्चुअली हमने बेक्स्ट कर दिया, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 10 से। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना होगा, तो हम कलर को क्या करेंगे व्हाइट कलर में डिफाइन कर देंगे #FF। ये होने के बाद आपको इसकी टेक्स्ट साइज थोड़ी इंक्रीज करनी होगी, तो मैं इसकी टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 16 sp। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा बटन का वर्क हो चुका है, बट हमें यहाँ का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा क्योंकि अच्छे से शो नहीं हो रहा है, ब्लू कलर में अच्छा नहीं लगता है। ओके इसलिए हम यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे, तो बैकग्राउंड अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें खुद से क्रिएट करना होगा। तो एक काम कर देता हूँ मैं @drawable इसका नेम दे देता हूँ मैं ऑप्शन डिजाइन के नेम से, ऑप्शन डिजाइन आप कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉबल में कोई भी ऑप्शन डिजाइन के नेम से बैकग्राउंड क्रिएट किया ही नहीं है। ओके तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्रॉबल में जाना होगा, तो जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे एरर शो होगा, तो यहाँ पे मैं ड्रॉबल पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, ड्रॉबल रिसोर्स फाइल, एंड जो यहाँ पे नेम है ऑप्शन डिजाइन इसको आपको कॉपी करना है, Ctrl+V से पेस्ट कर देना है एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ब खुद कुछ कोड आ जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, जो सिलेक्टर है इसकी जगह आपको चेंज करना होगा शेप के नेम से। ओके तो देख सकते हो अभी शेप तो हमने कर दिया है। ये होने के बाद आपको ये जो एरो है इसके नीचे आना है एंड सॉलिड को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इसके नीचे आ जाता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप करूँगा सॉलिड, बट यहाँ पे आपको एरो का भी यूज़ करना होगा, तो हमने एरो यूज़ नहीं किया, जो एट्रीब्यूट होता है सिग्नेचर सॉलिड, सॉलिड को आपको क्लोज भी करना होगा, तो मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। एंड इसके अंदर में आपको क्या यूज़ करना है, पहले तो यहाँ पे इसका सॉलिड का कलर यूज़ करना होगा, तो कलर में मैं बाय डिफॉल्ट लेता हूँ #FF A384। यहाँ पे मैंने कलर दे दिया है। ये होने के बाद आपको कॉर्नर यूज़ करना होगा, तो कॉर्नर में यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको कॉर्नर जो यूज़ करना है वो सॉलिड के बाहर यूज़ करना है,
एक काम कर देते हैं, इसकी स्पेस में रिमूव कर देता हूँ। ये जितने भी स्पेस हम रिमूव करेंगे एंड ये सॉलिड के बाहर में कॉर्नर को यूज़ करेंगे। तो आपको मैन्युअली टाइप करना होगा यहाँ पे कॉर्नर्स एंड इसके आपको रेडियस को भी डिफाइन करना होगा। तो मैं रेडियस दे देता हूँ 15 dp एंड इस कॉर्नर को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा ऑप्शन डिजाइन का वर्क हो चुका है। तो हम आएंगे एक्टिविटी क्वेश्चन में एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी भी शो नहीं हो रहा है ऑप्शन डिजाइन के नेम से। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन डिजाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड अगेन हम सिलेक्ट करके देखेंगे। हाँ अभी आप देख सकते हो सेकंड में आ रहा है ऑप्शन डिजाइन। तो इसको मैं क्लिक करूंगा एंटर करके। तो यहाँ पे अभी भी वो शो नहीं हो रहा है प्रॉपरली, मे बी रन होने के बाद शो हो सकता है। तो हम लेआउट वैलिडेशन पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है। तो एक काम कर देते हैं, ऑप्शन डिजाइन को हम रहने देते हैं। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को, किसी भी बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये तो अभी क्रिएट हो चुका है बटन। अभी हमें क्या क्रिएट करना होगा, इस बटन के नीचे अगेन एक बटन क्रिएट करना है क्विट के नेम से। जैसे देखो कोई यूजर आएगा तो सबसे पहले सी पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट करेगा, ओके, सेकंड क्वेश्चन में चले जाएगा। बट एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन में जाने के बाद कोई कोई यूजर को क्विट भी करना है, मीन्स क्विज देना ही नहीं उसको। तो क्विट यहाँ पे बटन इंप्लीमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको सेम बटन के नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको बटन मैन्युअली टाइप करना होगा बटन एंड इस बटन में आपको विड्थ एंड हाइट देनी होगी। तो विड्थ में दे देता हूँ मैच पैरेंट एंड हाइट में दे देता हूँ 50 dp। ये होने के बाद आपको लेआउट बिलो यूज करना होगा। तो ये बटन किसके नीचे चाहिए, तो इस नेक्स्ट बटन के नीचे चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेआउट बिलो। यहाँ पे मैं आईडी को पास कर दूंगा, ये जो आईडी है बटन 3 के नेम से, इसको मैं पास करूंगा। ये होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको भी आईडी डिफाइन कर देता हूँ। आईडी में आपको क्या पास करना है, इसका नेम। तो मैं एक काम कर देता हूँ, @ID बटन ट्वीट के नेम से मैं खुद क्रिएट कर लेता हूँ इसकी आईडी। एंड सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लग रहा है बटन। तो टेक्स्ट में मैं ट्वीट का नेम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्वीट आ चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्वीट को पास कर दिया है। ये होने के बाद आपको अलाइन पेरेंट एंड का यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अलाइन पेरेंट एंड, इसमें मैं पास करूँगा ट्रू। ये होने के बाद आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको पास करना है अलाइन पेरेंट राइट, जैसे हमने एंड यूज किया वैसे आपको यूज करना है राइट के नेम से। तो अलाइन पेरेंट राइट में भी आपको यूज करना है ट्रू। आपको यहाँ से मार्जिन टॉप का यूज करना होगा, तो इन दोनों के बीच में गैप चाहिए इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ एट्रीब्यूट मार्जिन टॉप। इसमें आएगा 20 dp। तो अभी काफी अच्छा शो हो रहा है ये। तो अभी तो मैं इस बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ सबसे पहले। ये जो हमने बैकग्राउंड मैन्युअली डिफाइन किया था पिछले, इसमें सेम हम इसको टाइप कर रहे हैं। तो देख सकते हो अभी इसको शेप आ चुका है। ये होने के बाद अभी आपको टेक्स्ट को पास करना होगा जो कि हमने ऑलरेडी पास कर लिए। टेक्स्ट साइज एंड टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट हमें सेंटर में चाहिए, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे तीनों भी एट्रीब्यूट को एंड यहाँ पे इस बटन में पेस्ट कर देंगे Ctrl V से। तो आप देख सकते हो अभी हमारा दोनों भी बटन का वर्क हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा रेडियो ग्रुप रहेगा एक, नेक्स्ट एंड क्विट। अभी हमारा 3 टेक्स्ट व्यू बाकी है। एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये शो होना चाहिए, सॉरी 1 2 3 यहाँ पे शो होगा बट जो क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन शो होगा इसलिए हमें एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जितने भी स्कोर रहेगा वो यहाँ पे शो होगा, इसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का यूज करना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है बटन के नीचे एंड बटन के नीचे आपको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू में आपको विड्थ एंड हाइट देनी होगी। तो विड्थ में दे देता हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट एंड हाइट भी मैं प्रोवाइड करूंगा रैप कंटेंट। इसकी आईडी में दे देता हूँ TV क्वेश्चन। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है
एंड यहाँ पे आपको लेआउट अब यूज करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन रहेगा किसके ऊपर रहेगा, इन रेडियो ग्रुप के ऊपर। तो रेडियो ग्रुप की आईडी क्या थी, आंसर ग्रुप। तो यहाँ पे हम दे देते हैं लेआउट अबो रेडियो ग्रुप के नेम से, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेआउट अबो डायरेक्ट आईडी आंसर ग्रुप। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है। आपको सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करना होगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन के नेम से। तो टेक्स्ट प्रोवाइड करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, बट इसको अच्छे से टॉप में लेके आना है, तो इसलिए मैं अच्छे से इसको एंटर करूंगा। एंड स्टार्ट लेफ्ट अलाइन पैरेंट यूज करेंगे हम इसमें, तो मैं यूज कर लेता हूँ अलाइन पैरेंट एस स्टार्ट, तो ये रहेगा ट्रू। सेम आपको अलाइन पैरेंट लेफ्ट यूज करना है, अलाइन पैरेंट एल, तो जैसे हम एल करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू। ये होने के बाद आपको मार्जिन बॉटम यूज करनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट रेडियो ग्रुप के पास तो रहेगा नहीं, इन दोनों के बीच में गैप रहेगी, तो यहाँ पे इसलिए मैं मार्जिन बॉटम यूज कर रहा हूँ। मार्जिन बॉटम आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो मार्जिन बॉटम हम 52 dB दे देंगे, बेटर रहेगा आई थिंक। तो आप देख सकते हो ये बेटर रहेगा, यस 52 dB। एंड इसके बाद टेक्स्ट अपीयरेंस हम थोड़ा मीडियम में, सॉरी थोड़ा लार्ज इसमें रख देंगे। तो टेक्स्ट अपीयरेंस आपको सर्च करना है यहाँ पे, एंड एट्रीब्यूट आपको सर्च करना है क्वेश्चन एंड्रॉयड, आपको मैन्युअली टाइप करना है एंड्रॉयड एट्रीब्यूट ATTR, एंड इसके बाद आपको टेक्स्ट अपीयरेंस शो करना है। तो टेक्स्ट अपीयरेंस इसमें आपको क्या करना है, लार्ज को प्रोवाइड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितने प्रॉपरली शो हो रहा है, बस अभी एक काम बाकी, इसको कलर देना है टेक्स्ट कलर। तो हम एक काम कर देते हैं, इसको व्हाइट ही डिफाइन कर देते हैं, एट द रेट कलर व्हाइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट साइज चेंज करना होगा इसकी, तो हम जितना है उतना ही रखेंगे 18 SP, इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, टेक्स्ट व्यू का, रेडियो ग्रुप का, नेक्स्ट एंड क्विट। तो अभी अगेन एक टेक्स्ट व्यू बाकी है, एक यूअर स्कोर करके यहाँ पे शो होगा, एंड 0 जितना भी स्कोर रहेगा वो, दो टेक्स्ट व्यू बाकी है, एक यूअर स्कोर के नेम से सबसे पहले मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। तो सेम आपको क्रिएट करने के लिए इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा टेक्स्ट व्यू। तो मैं विड्थ दे देता हूँ रैप कंटेंट, एंड हाइट दे देता हूँ 24 dp। ये होने के बाद आपको आईडी भी डिफाइन करनी होगी इस टेक्स्ट व्यू की, तो मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ आईडी एट द रेट आईडी टेक्स्ट व्यू 3, इसका आपको नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू 3। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड सर्च करना है अलाइन पैरेंट लेफ्ट, लेफ्ट में यूज कर लूंगा, एंड इसमें आपको पास कर देना है ट्रू के नेम से। ये होने के बाद आपको अगेन सर्च करना है अलाइन पैरेंट बॉटम के नेम से ट्रू, अगेन आपको एंटर करना है, एंड यहां से आपको पास कर देना है टेक्स्ट। तो देखो टेक्स्ट आपको यूअर स्कोर पास करना है, यूअर स्कोर, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यूअर स्कोर करके आ रहा है। तो इसकी पैरेंट लेफ्ट एंड बॉटम तो हमने अच्छे से यूज कर लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यूज करने के बाद ही प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। तो अभी यहाँ का वर्क हो चुका है, तो इसको बस कलर एंड साइज को चेंज करना होगा, एंड इसका अपेयरेंस को भी चेंज करना होगा। तो एक काम कर लेता हूँ, इसको जैसे कि वैसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बस इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, 19 dp कर लेंगे, सॉरी 19 SP। तो अभी हमारा यहाँ का भी कंप्लीट वर्क हो चुका है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे स्कोर को शो करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट व्यू इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे अगेन टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू
इसकी विड्थ आपको दे देनी है रैप कंटेंट एंड इसकी हाइट आपको प्रोवाइड करनी होगी 24 dpi। आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा, तो टेक्स्ट में हम प्रोवाइड कर देंगे जो भी स्कोर रहेगा। तो जैसे कोई यूज़र का 0 स्कोर है तो उसको स्कोर प्रोवाइड कर देंगे हम 0। एंड इसकी आईडी डिफाइन करनी होगी, तो आईडी का नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ऊपर हमने टेक्स्ट व्यू 3 यूज़ किए थे तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट व्यू 4। टेक्स्ट व्यू 4 ये होने के बाद आपको एंटर करना है। देन यहाँ से आपको टेक्स्ट अपीयरेंस को पास कर देना है। टेक्स्ट अपीयरेंस इसमें आपको पास करना होगा लार्ज। एक काम कर लेते हैं, हम ऊपर के जो टेक्स्ट अपीयरेंस है इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क से लेके तो टेक्स्ट अपीयरेंस तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है 0। इसको मैं कलर पहले सबसे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर अलग ही शो हो रहा है। तो टेक्स्ट कलर आपको पास कर देना है, इसमें वाइट कलर आपको पास कर देना है। ये होने के बाद आपको सबसे नीचे लेके आना है, ये सबसे टॉप में नहीं सबसे नीचे चाहिए। तो अलाइन पैरेंट बॉटम आपको यूज़ करना होगा नीचे जाने के लिए। अलाइन पैरेंट बॉटम एंड यहाँ से हम पास कर देंगे ट्रू एंड इसको भी हम सेंटर में लेके आएंगे। यहाँ पे स्कोर शो होना चाहिए तो इसलिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहाँ पास कर देंगे सेंटर में। तो जैसे हम सेंटर पास कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये होने के बाद आपको लेआउट पैरेंट राइट यूज़ करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लेआउट पैरेंट आर पास कर देना, राइट ट्रू पास करना है। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे यूअर स्कोर आ चुका है। ये होने के बाद आपको बस टेक्स्ट साइज सेम 19 dpi कर देनी है। तो टेक्स्ट साइज में प्रोवाइड कर देता हूँ 19 sp। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो मैं आपको एक एक बता देता हूँ कि हमने एग्जैक्ट किए क्या है इस XML फाइल में। सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट व्यू को क्रिएट किया। ये होने के बाद हमने एक रेडियो ग्रुप को क्रिएट किया जिसमें हम 4 रेडियो बटन का यूज़ किया है। ओके, ये होने के बाद एक बटन क्रिएट किया, एक बटन क्रिएट किया। ये होने के बाद हमने एक क्वेश्चन का टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया एंड ये 2 टेक्स्ट व्यू को क्रिएट किए। तो आई होप गाइस अभी आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा डॉट एग्जाम्पल का जो भी हमने कोडिंग पार्ट किया हो। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले जावा पार्ट। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से हम रिट्राइव करेंगे एंड नेक्स्ट बटन क्विट बटन इसमें ऑन क्लिक लिसनर यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।